ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. बड़ी खुशी है आप लोगों के साथ ये टॉपिक के ऊपर बात करते हुए. आग ही आग, हर इंसान किसी जमाने में जीरो ही रहता है. डू यू ऑल एग्री? हर इंसान किसी जमाने में जीरो रहता है और फिर वो तैयारी करता है जीत की, और वो फिर हीरो बनने का कार्यक्रम चालू हो जाता है. इसी तरह से अगर आप देखेंगे, किसी जमाने का ये जीरो था, किसी जमाने में ये भी जीरो था, किसी जमाने में अगर आप देखेंगे ये भी जीरो था, किसी जमाने में ये भी बड़ा जीरो था, किसी जमाने में ये भी बड़ा जीरो था, किसी जमाने में ये लेडी भी बड़ी जीरो थी, और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो हर इंसान जो आप यहाँ पर देखेंगे, किसी जमाने में ये भी जीरो था, किसी जमाने में इतना बड़ा कंपनी चलाने वाला जयप्रकाश गौर, जो जेपी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को चलाने वाला, या गाड़ी जो सोप बनाते हैं ये वाला आदमी, ये लोग सब लोग एक जमाने में जीरो थे. भंवरलाल जैन 5000 करोड़ का कंपनी चलाता, शहनाज हुसैन जो ब्यूटी का क्वीन मानी जाती है, इस तरह से लक्ष्मी मित्तल जो दुनिया में सबसे बड़े पैसे वाले आदमियों में से गिना जाता है, और अगर आप देखेंगे ब्रिजमोहन मुंजल जो हीरो होंडा का मालिक है, ये भी कुछ नहीं था, एक जमाने में साइकिल का पार्ट्स बेचते थे ये लोग. और अगर आप देखेंगे जो पेप्सी को चलाती है इंदिरा नुई, जो चेन्नई की रहने वाली और अमेरिका में बैठती है, किसी जमाने में ये भी चेन्नई की गलियों में जीरो थी. धीरूभाई अंबानी भी जीरो था. शिखा शर्मा जो आज एक्सिस बैंक चलाती है एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एक्सिस बैंक, ये भी एक जमाने में जीरो थी. नंदन नीलकनी जिन्होंने इंफोसिस को शुरू किया, ये भी एक जमाने में जीरो थे. और आज के तारीख में इंडिया का सबसे नंबर वन पैसे वाला आदमी, आज के तारीख में इंडिया में मुकेश अंबानी से भी ज्यादा पैसे वाला आदमी का नाम है दिलीप सांघवी. आज इंडिया का, इस वक्त 10:30 बजे इंडिया का सबसे ज्यादा पैसे वाला आदमी है दिलीप सांघवी. एक जमाने में आज से 30 साल पहले ये भी जीरो था. सन फार्मास्यूटिकल्स का मालिक माना जाता है. आज मुकेश अंबानी से भी ज्यादा पैसा है इसके पास. मरीको इंडस्ट्रीज जो पैराशूट बनाती है, पैराशूट वगैरह बनाती है, वो कंपनी का जो मालिक है वो भी एक जमाने में. सुनील मित्तल जो आज एयरटेल चलाता है और एक जमाने में गली गली में जाके टेलीफोन का इंस्ट्रूमेंट्स को बेचता था, और एक एक गली में जाके जनरेटर को बेचता था, अपने स्कूटर में जाके वो गली गली में स्कूटर में जाके जनरेटर को बेचता था नॉर्दर्न इंडिया में, एक जमाने में ये भी जीरो था. एक जमाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जीरो थे. एक जमाने में ये लोग सब जीरो थे. एक जमाने में ये भी जीरो था, और एक जमाने में ये भी जीरो था. ये हीरो बन के जीरो फिर हो गया, ये हीरो बन के फिर जीरो हो गया, और इसके बाजू में जो आदमी है वो हीरो का हीरो ही रह गया. तो ये जरूरी नहीं है कि जो आदमी हीरो बनता वो जीरो वापस नहीं बन सकता, और ये जरूरी नहीं है कि जो जीरो है वो हीरो बन नहीं सकता, ये भी जरूरी नहीं है. और किसी जमाने में ये भी जीरो था. मुझे याद है मैं साहब को मिला था, मोहम्मद माजिद साहब को मिला था 2007 में केरला में. मुझे याद है मैं इनको मिला था, मेरे बाजू में बैठे थे. मैंने टॉक दिया था हाउ टू टेक बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल. 2007 की बात है, कोचिन में ताज रेसिडेंसी की बात है. उस जमाने में मैंने एक बहुत बड़ा शो किया था, और उसके बाद इनको भी बुलाया गया था, तभी मैं इनसे मुलाकात की थी. 2007 की बात है, जनवरी 12 की बात है. तो ये इंसान को मैं तब से जानता हूं, तो आपको इस कंपनी में विश्वास न करने का कारण ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं बोलता हूं कि ये विश्वास करने लायक आदमी है और ये कंपनी विश्वास करने लायक है, तो ये विश्वास करने लायक है. और संतोष नायर कभी भी सोच विचार किए बिना बात करता नहीं है, ये आप लोग सब लोग जानते हैं. तो ये विश्वास के ही हकदार है. और केरला में जब इनको अवार्ड दिया गया था फॉर द बेस्ट परफॉर्मर एंड द बेस्ट एंटरप्रेन्योर, इस तरह से केरला में इनका बड़ा नाम है, और आज तुम्हारे साथ वो काम कर रहा है, तो मुझे बड़ी खुशी है कि इस तरह का कंपनी में तुम लोग काम कर रहे हो. और किसी जमाने में ये भी जीरो था.
और किसी जमाने में ये भी जीरो था, 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 और किसी जमाने में ये और ये और ये सब लोग जीरो थे, और किसी जमाने में हम भी जीरो थे, और किसी जमाने में ये और ये और ये और ये लोग सब जीरो थे। लेकिन इन सब लोगों ने जीरो से हीरो बनने का कसम खाया और उन्होंने की जीत की तैयारी। इन्होंने की जीत की तैयारी और ये लोग सब लोग रफ डायमंड थे, कोयले के अंदर बैठा हुआ रफ डायमंड। रफ डायमंड की कोई खास कीमत नहीं होती है, फिर वो रफ डायमंड को कोयले के खजान से निकाला जाता है। फिर वो डायमंड के ऊपर चार चीजें की जाती है, सबसे पहला उसे उसका कलर, डायमंड की चार क्वालिटी होती है, खास करके डायमंड की सबसे पहली क्वालिटी कलर, जो उसका नेचुरल कलर है उस पर आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब अंदर का जो आदमी का नेचुरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो फितरत है ना, उसको बदला नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वो बेईमान है तो वो बेईमान है। कहने का मतलब ये है कि जो फितरत है वो बदला नहीं जा सकता, अंदर से बहुत मेहनत करके अपने आप में काफी परिवर्तन अगर वो लाता है तो कहने का मतलब ये है कि डायमंड की नेचुरल क्वालिटी में कलर आता है, क्लैरिटी आता है, कैरेट आता है, लेकिन नेचुरल क्वालिटी में एक चीज बिल्कुल नहीं आता है और वो है कट। कट तो इंसान लोग डायमंड को करते हैं, लेकिन हम लोगों को कोई कट नहीं कर सकता। जैसे डायमंड को उठा के उसको छीनी और थोड़ी मार के उसको रफ डायमंड से क्रूअल डायमंड से उसको पॉलिश करके, उसको कट करके, अलग अलग जगह पे उसको फटका मार मार के उसे उसको कट करके उसके अंदर वो क्लैरिटी को लाया जाता है। इस तरह से आपको अगर जीत की तैयारी करनी है, अगर आपको जीरो से हीरो बनना है, तो आपको अपने आप को कट करना पड़ेगा, आपको अपने आप को अलग अलग तरीके से तकलीफों में डालना पड़ेगा। क्योंकि जब आदमी को कट किया जाता है तो वो बहुत तकलीफ से और बहुत अड़चनों से गुजरता है। तो जो इंसान अड़चनों में गुजरता है वो अपने आप को कट करता है, जो पढ़ता लिखता है वो अपने आप को कट करता है, जो ऑडियो वीडियो सुनता है, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में आता है, जिसका गोल बड़ा क्लियर है, वो सब लोग वो इंसान होते हैं वो जबरदस्त तरीके से अपने आप को कट करते हैं। और जब वो कट करते हैं वो आग से गुजरते हैं। अगर आप सोने को अगर आग में डालेंगे तो तपता रहता है। इसी तरह से मैं हमेशा कहता हूं कि जो इंसान अपने आप को लगातार कट करता है वो आग से गुजरता है, और वो आग से गुजरना, आग ही आग अगर मैं बोलूं, अपने आप को लगातार आग में रखना। मेरे को 50 बरस का उम्र हो गया, लेकिन 30 साल पहले जो मैंने अपने आप को आग में डाला, जिस तरीके से मैंने अपने आप को तपाने की कोशिश की, जिस तरीके से मैंने अपनी पर्सनैलिटी में आग लगा के, जिस तरह से मैंने अपने कपड़ों पे आग लगा के, जिस तरीके से मैंने अपने सोच में आग लगा के, जिस तरीके से मैंने अपने जीवन में आग लगा के अलग अलग जो पुराना था उसको जला दिया, पुराना तरीके को जला दिया, पुराना कोट को जला दिया, पुराना सोच को जला दिया, पुराना स्टाइल को जला दिया, पुराना काम करने के तरीके को जला दिया, इस तरह से जला जला के आग ही आग में रह के मैंने अपने आप को जीत के लिए तैयार किया। और इसीलिए हर इंसान, और जो इंसान इस तरह से आग में खेलता है, जो इंसान इस तरह से अपने आप को तैयार करता है, वही इंसान सक्सेसफुल होता है, और मैं अगर अपनी कहानी शुरू करूं और ये बताऊं, तो आज से कई साल पहले की बात है, 1983 में मैंने अपना करियर चालू किया एज ए डोर टू डोर सेल्समैन। लेकिन उसके पहले मैं रोज सुबह उठता था, सुबह जाके मैं न्यूज़पेपर डालता था, न्यूज़पेपर डालने के बाद चीरा बाजार, न्यूज़पेपर मैं लोखंडवाला के गलियों में डालता था, उसके बाद मैं चीरा बाजार में चरनी रोड में जाके अपना कॉलेज हिंदुजा कॉलेज में जाता था, दोपहर को मैं चीरा बाजार में अकाउंटेंट का नौकरी करता था, और रात को मैं ट्यूशन लेता था।
इस तरह से गरीब मेरी जिंदगी बीत रही थी, गरीबी से मुझे प्यार हो चुका था, सोच मेरी छोटी थी, काम करने का तरीका मेरा छोटा था, ट्रेनों में ट्रैवल करता था, सेम शर्ट चार दिन पहनता था, एक ही चप्पल कई सालों तक, इस तरह का छोटा जिंदगी मैं बिता रहा था। ये 1983 की बात है। रात चलते चलते एक दिन मेरा दोस्त जो स्कूल में मेरे साथ पढ़ता था स्वामीनाथन अय्यर, मुझसे मिला और पूछा तू करता क्या। मैं बोला रोज सुबह जाता हूँ, न्यूज़पेपर डालता हूँ, उसके बाद कॉलेज जाता हूँ, उसके बाद दोपहर को अकाउंटेंट की नौकरी करता हूँ, रात को ट्यूशन लेता हूँ। तब अय्यर ने मेरे चेहरे पे देख के बोला संतोष नायर, एक जमाने में तू बोलता था तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, तू हीरो बनेगा, तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन तेरी हरकतें जो तू कर रहा है, जो तू हरकतें कर रहा है, जैसे न्यूज़पेपर का धंधा कर रहा है, अपना गली का कुलकर्णी पिछले 35 साल से न्यूज़पेपर का धंधा कर रहा है, 35 साल में साइकिल में था और मैक्सिमम स्कूटर में आया, न्यूज़पेपर का धंधा करके कोई भी इंसान बड़ा नहीं हुआ, ऐसा अय्यर ने मुझसे कहा। दो वक्त की रोटी तेरे को मिल जाएगा लेकिन जिंदगी में तू बड़ा काम नहीं कर पाएगा। और जो तू अकाउंटेंट का नौकरी कर रहा है, कितना पगार है तेरा आज तो 400 रुपए, अगले साल वो 500 हो जाएगा, अगले साल वो 600 हो जाएगा, अगले साल वो 700 हो जाएगा। आज से 15 साल के बाद जब तेरी उम्र 35 की हो जाएगी तो तेरा इनकम विल बी 10,000, 12,000, 14,000। किस तरह का तू शादी करेगा, क्या तेरे बच्चे होंगे, कौन से स्कूल में जाएंगे, उनके सपने कभी पूरा नहीं होगा। जिस तरीके से तू गरीब रहा, जिस तरीके से तेरे सपने कभी पूरे नहीं हुए, जिस तरीके से तेरे बाप ने तेरे को वो सब नहीं दिया जो तेरे को चाहिए था ताकि तू बड़ा इंसान बन सके, ये जो तू काम कर रहा अकाउंटेंट का, इससे तू बड़ा आदमी बन नहीं सकेगा। और रात को जो तू एक ट्यूशन लेता है उसमें 100 रुपया मिलता है, 2 ले ले 200 मिलेगा, 3 ले ले 300। ये गरीब सोच बदलेगी कब, और ये गरीबों जैसी हरकतें तेरी जो दिन बदलेगा वो दिन तू हीरो बनेगा, वो दिन तू काम उस तरह का करेगा। क्योंकि जो अकाउंटेंट होता है ना वो कभी अपने आप को पॉलिश नहीं करता, जो स्कूल का टीचर होता है ना वो कभी अपने आप को पॉलिश नहीं करता, जो एक बैंक में काम करने वाला साधारण कैशियर वो सुबह जाता है 9:30 बजे शाम को वापस आता है, वो ना कभी अपने कपड़ों में, चाल में, ढाल में, विचार में, सोच में, तरीके में, विश्वास में, कॉन्फिडेंस में, कौशल्य में, नॉलेज में किसी तरह का वृद्धि नहीं करता, और इसीलिए वो साधारण था, वो साधारण है और वो मरेगा साधारण। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए जरूरी है कि आदमी अपने आप को तैयार करे। जीतना हर आदमी का गेम है लेकिन हर आदमी अपने आप को तैयार नहीं करता। जब स्वामीनाथन अय्यर ने मुझसे पूछा और कहा कि तू लाइफ में बड़ा आदमी नहीं बनेगा, तब मैंने अय्यर से पूछा यार तू डरा मत, मेरे को बता करना क्या है। तब उसने कहा जिंदगी बनानी है, नाम कमानी है, इज्जत कमानी है, शोहरत कमानी है, और अपनी चाहतों के हिसाब से अगर जिंदगी जीनी है, अपनी चाहतों के हिसाब से जिंदगी जीनी है, जरूरतों के हिसाब से नहीं, अपनी चाहतों के हिसाब से अगर तेरे को जिंदगी जीनी है। चाहतों के हिसाब से मतलब आज अपने को चाहा था स्कोडा लेने का, अपने स्कोडा लिया, आज अपनी चाहत मर्सिडीज का, अपने मर्सिडीज लिया, लेकिन जरूरत के हिसाब से देखा जाए तो वेस्टर्न रेलवे जिंदाबाद, जरूरतों के हिसाब से देखा जाए तो 1 बेडरूम हॉल किचन में कार हो सकता है, जरूरतों के हिसाब से देखा जाए तो अपनी चाल में सकती है, जरूरतों के हिसाब से देखा जाए तो अपन अपने स्कूल में अपने बच्चे लोगों को म्युनिसिपैलिटी स्कूल में डाल दिया तो उसकी जो जरूरत थी नॉर्मल एजुकेशन का वो पूरा हो गया। लेकिन अगर आपकी बेटी की चाहत अमेरिका में जाके एक डिजाइनर बनने का है और उसके लिए 1.9 करोड़ रुपया लगने वाला है तो वो बात चाहत की है, वो जरूरत की नहीं है। और उसने जब मुझसे कहा स्वामीनाथन अय्यर ने कि तुझे चाहतों के हिसाब से अगर अपनी जिंदगी जीनी है, जरूरतों के हिसाब से तड़प तड़प के अगर नहीं जीनी है तो एक ही प्रोफेशन है, एक ही धंधा है, एक ही काम है, एक ही औहदा है, एक ही चीज है जो तू कर सकता है, एक ही प्रोफेशन है, एक ही काम है जिसमें अगर तू घुस गया तो तू माला माल बनेगा। तो मैंने पूछा उससे क्या, तो उसने कहा सेल्स। ऐसे कहा सेल्स? मैंने कहा कि मैंने तो सेल्स कभी किया नहीं है। तो उसने कहा अमिताभ एक्टिंग के पहले कभी एक्टिंग नहीं किया, शाबाश, उसने गाना गाने के पहले गाना कभी गाया नहीं। यू नो मोहम्मद मजीद जो साहब है वो आयुर्वेदिक के बारे में पढ़ाई करने के पहले में उसके पहले उसको मालूमात नहीं थी, डॉक्टर बनने के पहले वो डॉक्टर था नहीं। तो हर इंसान को तैयार करना पड़ता है अपने आप को, और तुझे भी सेल्स में अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। चला जा तू सेल्स की दुनिया में, और अगर तुझे महीने का 5,000 चाहिए तो 5,000 मिलेगा, महीने का
50,000 चाहिए तो सेल्स में 50 मिलेगा, मैंने कहा 5 लाख रुपया चाहिए तो सेल्स में मिलेगा, तेरी चाहतों के हिसाब से तेरी दुनिया चलेगी, ऐसा जब अय्यर ने मुझसे कहा तो मैंने ठान लिया मन में कि अभी तैयारी करनी है जीत की, और ठान लिया मन में कि अब जीरो रहना नहीं है, और ठान लिया मन में कि अब कट करना है अपने आप को और डायमंड बनना है लाइफ में, और तब मैंने डिसाइड किया कि मैं सेल्समैन बनूंगा। तो उन दिनों में मैंने बहुत सारे इश्तिहार में अप्लाई किया कि अपने को बुलाया नहीं, इश्तिहार पे अपन अप्लाई कर रहे थे, फिर एक दिन मैंने एक बड़ा सा एडवर्टाइजमेंट देखा, उसमें लिखा था बड़ा आदमी बनना चाहते हो, 6 महीने में बाइक लेना चाहते हो और अपने सपनों को पूरा करने चाहते हो तो आ जाओ वॉक इन इंटरव्यू यूरेका फोर्ब्स, सुना है यूरेका फोर्ब्स, उस कंपनी का एडवर्टाइजिंग था। और हमारे पास वर्ली में, हम अंधेरी में रहते थे, वर्ली में जाने के लिए पैसा नहीं है, अपना दोस्त केवल राज सालियन के पास गया, 5 रुपया उससे उधार लिया और मैं चला गया वर्ली में। लंबा स्टोरी शॉर्ट करना चाहता हूँ, पहला इंटरव्यू मेरा राजेश मल्होत्रा बोल के आदमी ने लिया। मल्होत्रा साहब 3 चीज करते थे, अगर आदमी अच्छा लगा तो सिलेक्ट, आदमी ठीक ठाक लगा तो रिजर्व कैंडिडेट, रिजर्व याला नंतर घेऊया, और अगर आदमी अच्छा लगा तो सिलेक्ट। मल्होत्रा साहब ने मेरे को पहले कैटेगरी में डाल दिया, यू नो, जिसमें उन्होंने मेरे को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ना मैं सेल्समैन जैसा दिखता था, ना मैं बोलता था, ना मेरी सोच वैसा उनको नजर आया। उन्होंने अंग्रेजी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, मैं जवाब नहीं दे सका क्योंकि हम बर्फी वाला स्कूल में पढ़ते थे, डॉन बॉस को एजुकेटेड। मल्होत्रा साहब ने जब अपने को अंग्रेजी में बहुत सारा पूछा तो हम जवाब नहीं दे सके, मल्होत्रा साहब ना सिलेक्ट किया ना रिजर्व में डाला, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और कहा मुंह पे देख के ये कि हम 15 दिन में बताएंगे, तभी मुझे नहीं मालूम था कि 15 दिन में बताने का मतलब है कि अपने को ऑलरेडी उसने रिजेक्ट कर दिया। ये तो बाद में मालूम पड़ा कि लोग अपने को घुमाने के लिए बोलते ना, सोच के बताएंगे बाद में बताते हैं, इसका मतलब है अपने को लात मार के उन्होंने भगा दिया। ये बात वो जमाने में नहीं समझ में आया, तो बाद में अभी समझ में आता है कि टोपी लगाने के लिए लोग इस तरह से बोलते हैं, मी नंतर कड़ू तुला, मी बोलतो तुझी नंतर ये तू, इस तरह से वो बात करते हैं। तो रिजेक्ट कर दिया। अब मैं तो ये इंतजार में था कि 15 दिन में वो बताएंगे, लेकिन महीना भर में कुछ भी न्यूज नहीं आया। कहानी ऐसी जाती है कि मल्होत्रा साहब ने तो रिजेक्ट कर दिया, लेकिन बंबई आधा वो संभालते थे, आधा बंबई गुप्ता साहब बोल के दूसरा मैनेजर संभालते थे, उनको आदमियों की जरूरत पड़ी, वो मल्होत्रा साहब के पास गए और उन्होंने कहा यार तूने बहुत सारे आदमियों को लिया है, लास्ट टाइम मैंने देखा वॉक इन इंटरव्यू में तेरे इधर 200-300 आदमी लोग आए थे, तो तेरे पास कोई कैंडिडेट है सिलेक्टेड तो मुझे दे दे, मुझे एक लोकेशन और एक ग्रुप चालू करना है, टीम चालू करना। तो मल्होत्रा साहब ने कहा कि ये टाइम तो बहुत अच्छे आदमी नहीं मिले, इसके लिए मैंने सबको थोड़ा ही मिला मेरे को सिलेक्टेड, तो मेरे पास नहीं है सिलेक्टेड कैसे। अच्छा बोले तेरे पास कोई रिजर्व कैंडिडेट है तो वो दे दे, मैं उससे ही टीम चालू करता हूँ, गुप्ता साहब ने कहा। तो उन्होंने कहा नहीं यार मेरे पास रिजर्व कैंडिडेट भी नहीं है, मैंने सबको सिलेक्ट करके दे दिया। अच्छा बोले तेरे पास रिजेक्ट माल तो होगा तो वो ही दे दे मेरे को। तो मल्होत्रा साहब को गुप्ता साहब ने वो जो 150-200 आदमी जिसको उन्होंने रिजेक्ट किया था वो रिजेक्टेड आइटम का सब फॉर्म दे दिया, उसमें अपना भी नंबर। उस रिजेक्टेड फॉर्म के अंदर तो वो सब जीरो के फॉर्म से, वो सब जीरो वाले थे, वो जीरो के फॉर्म से गुप्ता साहब ने मालूम नहीं कौन सा टेक्निक यूज करके उसमें से छाटम छाट करके अपने को एक टेलीग्राम भेजा। ये 1985 की बात है, उस जमाने में SMS वगैरह नहीं होता था, टेलीग्राम होता था। और जब एक दिन दोपहर को, गांधी जयंती के दिन दोपहर को 2 बजे टेलीग्राम आया, मेरे हाथ में आया, नसीब मेरा था कि मेरे हाथ में आया, और मैंने वो खोल के देखा, रिपोर्ट फॉर फाइनल इंटरव्यू, यू नो, ऐसा करके उसमें लिखा था 3 अक्टूबर को आ जाओ सुबह 9:30 बजे फाइनल इंटरव्यू है। मैंने किसी को बताया नहीं, भाग भाग के गया अगले दिन वहां पर और उनके पास जाके इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा क्या करना चाहोगे, एसेट सर आप बताइए, आप जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे, आप बोलेंगे चर्च गेट में रोज सुबह चड्डी सर पे पहन के खड़े रहने से पैसा मिलता है तो मैं एक रात पहले से ही खड़ा हो जाऊंगा, आप मेरे को बताओ करने का क्या है। तो इस तरह से मैंने उनसे पूछा
उसने कहा कि क्या करूं? मैं बोला सर मेरे को पैसे चाहिए। बोलता ये लाइन में बड़ा इज्जत है, नाम है, शौर्य। मैं बोला इज्जत बिज्जत नहीं चाहिए, अपने को रोकड़ा चाहिए, क्योंकि 18 महीने से भाड़ा नहीं भरा है महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड को, माँ का इलाज के लिए पैसा नहीं है, बड़ी बहन का शादी नहीं हो रहा पैसे नहीं है घर में, छोटी बहन का शादी नहीं हो रहा पैसे नहीं है हाथ में, डॉक्टर को 6 महीने से पैसा नहीं दिया, किराने वाले को 6 महीने से पैसा नहीं दिया, न्यूज़पेपर वाले को 3 महीने से पैसा नहीं दिया, मेरे को आगे पढ़ने का था पैसा नहीं था, ऐसे सिचुएशन में ये बोलता इज्जत मिलेगा नाम मिलेगा वो किधर डालेगा अपन। तो हमने कहा मेरे को इज्जत इज्जत नहीं चाहिए सर, अपने को बताओ रोकड़ा कैसा कमाने का है, टेल मी पैसा कैसा कमाने का। बोलता है आई विल टीच यू हाउ टू सेल। एक बैच मैं कल सुबह 4 अक्टूबर को चालू कर रहा हूँ, मैं एक बैच चालू कर रहा हूँ 14-15 लोगों का, और एक मैं 15 दिन के बाद ज्वाइन चालू कर रहा हूँ, तू कौन सा ज्वाइन करना चाहेगा। तो हीरो जो जीरो लोग होते ना, तो मैंने बोला 15 दिन के बाद आते, ये जीरो लोग का यही काम होता है, कल सुबह मौका है वो जीरो लोग कभी पकड़ेंगे नहीं, 15 दिन भी ले। मैं बोला 15 दिन के बाद आता हूँ, बाकी सब काम सल्टा बिल्टा के मैं आता हूँ। अभी सल्टा नहीं के लिए क्या है लाइफ में, तू कुछ भी है नहीं, आठना है नहीं तेरे जेब में, क्या सल्टाएगा तू। फिर जीरो लोग ऐसे बात करते हैं, मैं सल्टा के आता हूँ, जैसे कि अंबानी की औलाद है, बहुत कुछ सल्टा के आने का है, इधर कुछ है नहीं। तो गुप्ता साहब ने कहा कि अगर तू कल सुबह ज्वाइन करता है तो तेरे को लाइफ में 15 दिन का एडवांटेज रहेगा, जिंदगी में तू हमेशा 15 दिन आगे रहेगा, 15 दिन में तेरे को मार्केट के बारे में खबर मिल जाएगा, 15 दिन में प्रोडक्ट के बारे में समझ आ जाएगा, 15 दिन में सेल्स के बारे में समझ आएगा, 15 दिन में तेरा नॉलेज बहुत बढ़ जाएगा। ये बात जीरो को समझ में आया, इसका मतलब है कि अंदर हीरो बनने की चाहत थी अपनी, तभी वो समझ में आया। क्योंकि कई लोग जो जीरो है ना, उनको कुछ भी अच्छा बोले दिमाग में बात जाता है। मतलब क्या है, पैदाइशी जीरो है, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, और वो जीरो ही रहेगा। देयरफॉर जीरो वही आदमी रहता है जो वातावरण से आया हुआ इंफॉर्मेशन, वातावरण से गुप्ता साहब ने जब इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भैया हीरो बनने के लिए ये कलाकारी मैं सिखाऊंगा, कल सुबह आता है क्या, तो पकड़ लिया मैंने वो अपॉर्चुनिटी और कहा कि यस सर कल से आता हूँ। तो वहां से अपना जो हीरो बनने का कार्यक्रम शुरू हुआ। आज उस बात को 30 साल हो गए, मैंने मुड़ के पीछे कभी देखा नहीं है। हीरो उस जमाने में यूरेका पॉप्स में आदमी 4 वैक्यूम क्लीनर बेचता था महीने का एवरेज। 3,500 सेल्समैन होते थे हमारे कंपनी में, और 3,500 सेल्समैन का एवरेज निकालेगा तो वैक्यूम क्लीनर जो साफ सफाई करने का जो मशीन है उसमें एवरेज 4 का बिकता था। हर आदमी 4 बेचता था, 2-3, और अगर आपने 6-7 बेच दिया तो आपका ब्रांच मैनेजर आपको बढ़िया होटल, उड़पी होटल है गुरुदेव बोल के सामने, उसमें वो लेके जाता था, और अगर आपने 10-12 बेच दिया तो आपका रीजनल मैनेजर आपको उससे भी बढ़िया होटल में, एयर कंडीशन होटल में लेके जाके खाना भी ना खिलाएगा, और अगर आपने 12 या 14 बेचा तो आपका कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, हमारा कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर अखिल मार्फतिया अपना स्टैंडर्ड 2000 रोवर कार, जो उस जमाने में सबसे महंगा गाड़ी होता था, उसमें आता था, और ज्वेल ऑफ इंडिया बोल के एक रेस्टोरेंट है वर्ली में, वहां लेके जाता था, तुमको बियर चाहिए, चिकन चाहिए, जो भी चाहिए खिलाएगा, और बदन का कोई भी पार्ट पे चुम्मा लगाने को रेडी था। अगर तुमने 14 बेचा और मार्फतिया साहब को बोला इधर चुम्मा लगाओ, तो वो तेरे कुंडी में चुम्मा लगाएगा, क्योंकि उसको सेल्समैनों से बहुत प्यार था। उसको लगता था कि जो 14-15 बेचता वो बापू है, बापू। और वो जमाने में अपना 5 दिन का ट्रेनिंग हुआ, 4 अक्टूबर को ज्वाइन किया, 11 अक्टूबर को ग्रैंड रोड बाजार में अपन उतरा। माई टेरिटरी वॉज रेड लाइट एरिया। मेरे को मेरे बॉस ने बोला उधर जा, मैं बोला सर उधर कैसा माल बेचेंगे, वैक्यूम क्लीनर। बोलता उधर बहुत पोटेंशियल है। तो मेरे को लगा कि गुप्ता साहब जाते होंगे तो उनको पोटेंशियल के बारे में ज्यादा मालूम है, तो मैंने मन में ठान लिया कि मैं उधर ही बेचेगा।
लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे खुशी है कि 20 दिन में मार्केट में था वो एरिया के अंदर 26 वैक्यूम क्लीनर बेचा मैंने पहले महीने में। तो सबको लगा कि फ्लूक में हुआ, मेरे को भी लगा फ्लूक में हुआ। कभी कभी अपन डायमंड भी फ्लूक में बन जाते, अपने को पता ही नहीं चला बना कहीं, लेकिन बन गए, यू नो। तो इसी तरह 26 बिका ऐसे फ्लूक में, ऐसा मुझे भी लगा, दुनिया को लगा, लेकिन फ्लूक नहीं था, क्योंकि अगले महीने में मैंने 32 बेचा, उसके अगले महीने में मैंने 33 बेचा, उसके अगले महीने में मैंने 36 बेचा, उसके अगले महीने में 37 बेचा, उसके अगले महीने में 39 बेचा, उसके महीने में 41 बेचा, उसके अगले महीने में 43 बेचा, लेकिन मैंने जीवन में पिछले महीने से कम कभी नहीं बेचा, कभी नहीं बेचा। तो उन्होंने मेरे को इंडिया का नंबर वन सेल्समैन बन गया, इंडिया का रातों रात नंबर वन सेल्समैन मैं बन गया। तो उन्होंने मेरे को ग्रुप लीडर बना दिया, मेरे साथ 4 आदमी डाल दिए, इंडिया का नंबर वन ग्रुप लीडर बना। तो उन्होंने 12 आदमी दे दिया एक ग्रुप लीडर के साथ, मैं इंडिया का नंबर वन सेल सुपरवाइजर बना। तो उन्होंने फिर मेरे को ब्रांच मैनेजर बनाया, 29 आदमी दिए, मैं इंडिया का नंबर वन ब्रांच मैनेजर बना। पहली बार इंडिया में 200 सेल एक ब्रांच में हमने किया, पहली बार 300 सेल यूरेका फोर्ब्स में हमने किया, पहली बार 400 सेल एक ब्रांच में हमने किया, पहली बार 500 सेल एक ब्रांच में हमने किया। हमारा काम ही था रिकॉर्डें बनाना और रिकॉर्डों को तोड़ना। इस तरह से हमने अपना जीवन को चालू किया और फिर हम डिप्टी डिविजनल सेल्स मैनेजर बने, डिविजनल सेल्स मैनेजर बने, एरिया सेल्स मैनेजर बने, रीजनल सेल्स मैनेजर बने, और फिर उसके बाद सीज फायर बोल के फायर एक्सटिंग्विशर कंपनी, लाल कलर का जो फायर एक्सटिंग्विशर है, उस कंपनी में डीजीएम बने और जनरल मैनेजर बने, और फिर उसके बाद एक ट्रेनिंग कंपनी टीम प्रोडक्टिविटी बोल के कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट बने और वहाँ का हम डायरेक्टर बने। और 15 साल पहले हमने स्मार्ट बोल के ये ट्रेनिंग कंपनी शुरू की, जो इंडिया का जाना माना ट्रेनिंग कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर होवे, कोको कोला होवे, प्रॉक्टर एंड गैम्बल होवे, फोर्ड होवे, हुंडई होवे, महिंद्रा एंड महिंद्रा होवे, एशियन पेंट्स होवे, दुनिया की बेहतरीन कंपनियों को ट्रेन करने के बाद आज से करीबन 8-9 साल पहले हमने कहा कि अब ये बड़े कंपनियों को छोड़ देंगे और स्मॉल मीडियम नैनो माइक्रो एंटरप्राइजेस, जो छोटे धंधे वाले 10 करोड़, 100 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़, ऐसे लोगों के साथ काम करेंगे। और आज हम लोगों का कंपनी पूरा छोटे और मीडियम एंटरप्राइजेस के धंधे वालों के लिए काम करती है। इस तरह से एक भयंकर 120 जन का कंपनी को हमने बनाया। मुझे याद है मेरा पहला घड़ी था हेनरी सैंडोस एंड फिल्स, पहला घड़ी था मेरा हेनरी सैंडोस एंड फिल्स, 25वां हैंड है मेरे ख्याल से, जो मेरे बाप ने मेरे को गिफ्ट दिया था, सेकेंड हैंड भी नहीं था वो, 25वां हैंड था, 25 रुपया का लिया था मेरे फादर ने, वो मेरा पहला घड़ी था। मैंने टारगेट रखा कि मैं 500 रुपया का सिटीजन कॉर्ड खरीदूंगा मेरे पहले पगार से, और मैंने वो खरीदा। उसके बाद मैंने लक्ष्य रखा, पर्पस रखा, गोल रखा कि अब मैं 1200 का घड़ी खरीदूंगा, टाइटन क्लासिक खरीदा। फिर मैंने लक्ष्य रखा कि मैं 5000 का घड़ी खरीदूंगा, फिर मैं 50000 का घड़ी खरीदूंगा, फिर लक्ष्य रखा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 5,60,000 रुपये का मैंने घड़ी का टारगेट रखा, और मैंने रोलेक्स का घड़ी 5,60,000 का खरीदा। मुझे याद है मेरा जो पहला पेन होता था वो 2 रुपये का शार्प का पेन होता था, जो वेस्टर्न रेलवे में अपन ट्रेन में जब जाते हैं तो वो बेचने के लिए आदमी आता है। तब मैंने टारगेट रखा कि मैं विल्सन का पेन रखूंगा 40 रुपये का, 40 रुपये का विल्सन का पेन रखता था। उसके बाद मैंने बोला कि अब मैं पेन रखूंगा 100 रुपये का, और फिर वो 100 रुपये का मैं फ्लेयर का पेन रखता था। उसके बाद 400 रुपये का शेफर का पेन रखता था, 1000 रुपये का सिल्वर क्रॉस पेन रखता था, 2000 का गोल्ड क्रॉस पेन रखता था, 25000 का मॉन्ट ब्लैंक रखता था। आज 3 लाख रुपये का घड़ी, 3 लाख रुपये का अपन पेन अपने इधर जेब में लगा के घूमते हैं। मुझे याद है माय डियर फ्रेंड्स, मुझे याद है माय डियर फ्रेंड्स कि मेरा पहला महीने का सैलरी था 500 रुपया। फिर मैंने कहा, लक्ष्य रखा कि अब मैं 5000 रुपया कमाऊंगा महीने का। भागा भागा भागा, अपने आप में परिवर्तन लाया, कपड़ों में परिवर्तन लाया, बोली में परिवर्तन लाया, चाल में परिवर्तन लाया, सोच में परिवर्तन लाया, सोच में कंप्लीट परिवर्तन लाया। और फिर हमने कहा 50000 रुपये महीने का कमाएंगे, फिर हमने कहा 2 लाख महीने का कमाएंगे, फिर हमने कहा 5 लाख रुपये महीने का कमाएंगे। जब हम 5 लाख रुपये महीने का कमाते थे, हमने लक्ष्य रखा, पर्पस रखा, गोल रखा कि अब ये महीने का कार्यक्रम नहीं चलाएंगे, अब हमको दिन का चाहिए।
तो दिन का हमने टारगेट रखा कि हम 3,000 रुपया कमाएंगे, फिर दिन का 10,000 रुपया कमाएंगे, दिन का 4 लाख कमाएंगे, दिन का 5 लाख कमाएंगे, दिन का 7 लाख रुपया। जब दिन का 7 लाख रुपया कमाते थे तो हमने कहा ये किस तरह का गरीब जिंदगी हम जी नहीं सकते। दिन में खाली 7 लाख रुपया कमा के कैसा आदमी जिएगा दिन में? तो हमने कहा अभी ये दिन का कार्यक्रम नहीं, अभी अपने को घंटे का चाहिए। तो हमने घंटे का फिर रखा 10,000 रुपया, फिर घंटे का 20,000 रुपया, फिर घंटे का 3 लाख रुपया। इस तरह से हमने अपना जीवन को बिताया। जैसे जैसे पैसा ज्यादा कमाने का था, हमने अपना नॉलेज को बढ़ाया, अपने नॉलेज को बढ़ाया, कई किताबें पढ़ी, ऑडियो देखे, वीडियो देखे, नॉलेज को कम्प्लीटली बदला, और फिर उसके बाद एटीट्यूड्स में बदलाव लाया, और बहुत सारे 5 लाख रुपये पर घंटे के लिए कमाने के लिए जो स्किल्स लगता है, कौशल्य लगता है, सेलिंग स्किल्स लगता है, नेगोशिएशन स्किल्स लगता है, प्रेजेंटेशन स्किल लगता है, लीडरशिप स्किल लगता है, चेंज मैनेजमेंट स्किल्स लगता है, इंटरव्यूइंग स्किल्स लगता है, बहुत कौशल्य लगता है कमाने के लिए। देयरफॉर बहुत सारे अलग अलग कौशल्य डेवलप किया। और फिर अगर आपको बहुत सारा कमाना है और आगे बढ़ना है तो आदतें बदलनी पड़ेंगी। तो आदतों में बहुत परिवर्तन लाया, बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाया। सुबह उठने की आदत, टीवी ना देखने की आदत, और पढ़ाई करने की आदत, झूठ ना बोलने की आदत, आधा महीने में पूरा महीने का काम करने का आदत, टाइम वेस्ट ना करने की आदत, ऐसी बहुत सारी आदतें ढली। और देयरफॉर नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, हैबिट्स और स्ट्रेटजी, लगातार अपने क्लाइंट्स को बदलता रहा। एक जमाने में जो क्लाइंट मेरे को 20,000 रुपया देता था तो उसके सामने खड़े रह के डांस करता था। जब देखा कि ये 50,000 नहीं दे सकता और 50,000 के लिए दूसरे हायर लेवल के क्लाइंट चाहिए, तो स्ट्रेटेजी ऐसा निकाला कि क्लाइंट्स को बदल दिए। लगातार हर 2 साल में अपने क्लाइंट्स को बदलता रहा, क्योंकि जो आज 20,000 देता है कल वो 2 लाख नहीं दे पाएगा। एंड देयरफॉर आज जो 20,000 रुपया देता है 2 साल के बाद उसको मैं छोड़ देता हूँ और उसको पकड़ता हूँ जो 50,000 रुपया आज दे सकता है। और जब अपने को 1 लाख रुपया चाहिए तो उसको छोड़ देता हूँ, और जब अपने को 2 लाख चाहिए तो फिर इसको छोड़ देता हूँ। जैसे जैसे अपने को अगले लेवल पे जाना है तो वो पुराना नॉलेज को छोड़ देना पड़ेगा, पुराने एटीट्यूड को छोड़ देना पड़ेगा, पुराने आदतों को छोड़ देना पड़ेगा, पुराने कौशल्यों को छोड़ देना पड़ेगा, पुराने स्ट्रेटजीज को छोड़ देना पड़ेगा। हम में से कईयों का प्रॉब्लम ये है कि हमारी नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, हैबिट्स और स्ट्रेटजी सेम रही है और हमारी चाहत उसके आगे निकल गई। तो चाहत मेरी 5 लाख की है लेकिन हरकतें मेरी 20,000 वाली है। चाहत मेरी 5 लाख की है, कपड़े मेरे 20,000 वाले हैं। चाहत मेरी 5 लाख की है, सोच मेरा 20,000 का है। चाहत मेरी 5 लाख की है, कौशल्य मेरी 20,000 की है। चाहत मेरी 5 लाख की है, आदतें मेरी 20,000 वाली। तो आदतें 20,000, चाहत 5 लाख, कैसा मैच होगा? एंड देयरफॉर माय डियर फ्रेंड्स, इट इज अ वेरी कॉन्शियस थिंग। आपको एकदम कॉन्शियसली जानबूझ के इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। हर टाइम आपकी तैयारी जीत की अगली लेवल की होनी चाहिए। आज जो जीत है वो 1 लाख की जीत है, कल का जीत तो 5 लाख की जीत है, परसों का जीत तो 10 लाख का जीत है। और देयरफॉर तैयारी 24 आवर्स मरते दम तक आपको करते रहना है। अभी गरीबों का प्रॉब्लम क्या है मालूम है? ये तैयारी ही नहीं करते। इनको जो घर है ना, वो घर से बहुत सुख है। ये जो चाल में रहते हैं, उस चाल का सुगंध इनको बहुत अच्छा लगता है। ये जो रेलवे स्टेशन के बाजू में रहते हैं, उनको उधर का सुगंध और आवाज, रेलवे का आवाज नहीं आवे तो नींद नहीं आवे। तो इस तरह से गरीबों की प्रॉब्लम क्या है कि गरीब जैसा था। कल मेरे ऑफिस में मैं निकल रहा था, एक लड़का है मेरे कंपनी में, नाम नहीं लूंगा, उसका अंग्रेजी बराबर नहीं है। तो मैंने उसको कहा कि हर रात मैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अंग्रेजी को इम्प्रूव करने के लिए ये किताब लिखता हूँ। मैं उसको किताब बताया, वो किताब कैसे लिखता हूँ मैं, रोज कैसे शब्दकोश को बढ़ाता हूँ, सब कुछ बताया। और मैंने उसको बोला ये किताब लेके तू आ जाना। 1 घंटे के बाद मैं ऑफिस में वापस आया तो बोल रहा मैं घर जा रहा हूँ। मैंने तूने वो किताब लिया? बोले नहीं सर, ईस्ट में है ना। अब हम वेस्ट में बात कर रहे थे, बोले ईस्ट में है, अंधेरी ईस्ट के ऑफिस में।
तो मैं ना नोटबुक में लिख यही प्रॉब्लम है तुम उठी सोच वाली औलाद ऐसी मैंने उसको बोला तेरे को मैं बोलता हूँ कि ये बुक लिख तेरे को बुक बताता हूँ कि मैंने अपने अंग्रेजी को कैसे सुधारा तेरे को मैं रास्ता बताता हूँ तेरे को मैं बुक खोल के पूरा डिटेल में तेरे को बताता हूँ कि कैसा रोज रात को मैं लिखता हूँ एक एक करके मैं कैसे लिखता हूँ कि आज मैंने क्या अचीवमेंट किया अंग्रेजी के लिए इससे मेरे को क्या फायदा हुआ कल मैं अंग्रेजी को कैसे सुधारूंगा और उसके लिए क्या कदम लूंगा मैं तेरे सामने ऐसा 10 बुक दिखाया ये बुक तेरे को बोलता अपना ईस्ट वाले ऑफिस में जाके ले और मेरे को बोलता ईस्ट में यही बात करने के लिए मैं 3 लाख रुपया लेता हूं तेरे को फ्री में तू हमारे कंपनी में काम करता है तो बोलता मैं नोटबुक में लिखूंगा अबे मैं बोला नोटबुक में लिखना और ये नोटबुक जिसमें नायर साहब की चित्र है तू जब ये खोलेगा ना इसका नाम है 21 डे हैबिट एंड कॉन्फिडेंस मल्टीप्लायर यानी इंग्लिश की हैबिट या फिर अभी इसको अगर हेल्थ के लिए यूज़ करना अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है आपको वजन कम करना 21 दिन में आपको 10 किलो कम कर 21 दिन में डायमंड बनना है ना तो रोज रात को ही लिखो 21 दिन में आप बन सकते कुछ भी आपको अंग्रेजी सीखना है 21 दिन में आप सीख सकते हैं आपको अरबिक सीखना है 21 दिन में जब मैंने उसको बताया ये सब बातें तो बोलता मैं नोटबुक में लिखूंगा यही सोच है छोटे आदमी का कि जब बड़े विचार उसके सामने पेश किया जाता है बड़े तरीके से काम करने का रास्ता उसको दिखाया जाता है तब आदमी छोटेपन पे ही बैठा रहना चाहता है यही प्रॉब्लम है इस दुनिया का क्योंकि वो उसको मैं बोलता हूँ तैयारी कैसा करने का उसको समझ में नहीं आ रहा वो ये बुक छोड़ के अंधेरी ईस्ट तक जाने के लिए आधा घंटा पौना घंटा लगेगा और रिटर्न आना यानी बदन को जो तकलीफ लगेगा फिजिकल पेन जो तकलीफ लगेगा खर्चा लगेगा और वहाँ जाके उसको लाना उसने उस चीज को पोस्टपोन ही कर दिया एंड दैट इज वाई ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल अपने आप को बना नहीं सकते हैं क्योंकि वो तैयारी जीत की नहीं कर रहे वो हमेशा तैयारी हार का कर रहा है वो आदमी जिसकी हरकत कल थी वो जीत की तैयारी नहीं थी वो हारने की तैयारी थी तो जीतने वाले उसको लेसन सिखा रहे लेकिन आज हारने वाले को इतनी जमाने से हारने की आदत क्योंकि उसका उम्र 35 का है और 15 साल से जानता है कि मेरी अंग्रेजी खराब है और 6 महीने में अंग्रेजी सुधार सकता है अगर वो मन में ठान लेगा लेकिन गरीबों की प्रॉब्लम यही है कि तो तैयारी और जीत के लिए आगे बढ़ने की तैयारी करने से कतराता है ये प्रॉब्लम है उसका देयरफॉर मैं यहाँ खड़े रह के मुजरा करूँ या कुचिपुड़ी करूँ या भरतनाट्यम करूँ गरीबों को ठेंगा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है अगर कल रात को आप चाल में गाली दे रहे थे अपने आप को कि कैसे मैं 2 बेडरूम हॉल किचन में जाऊं आप अस्वस्थ थे आपकी छोटी जिंदगी से आप परेशान थे आपका लड़का या लड़की छोटे स्कूल में जा रहे और कॉन्वेंट में नहीं जा रहे इससे आपको गुस्सा आता है तो ही आप कदम लेंगे लेकिन आप ये सोचते मैं तो बड़ा नहीं मेरा लड़का म्युनिसिपैलिटी में जाता है बहुत बढ़िया तो प्रॉब्लम ये है माय डियर फ्रेंड्स कि तैयारी जो चीज की होती है वो हर आदमी जब जीतने के लिए तैयार होता है वो जीरो रहता है और उसे हीरो बनना पड़ता है इस तरह से मुझे याद है कि मेरा पहला जो गाड़ी था पहला जो बाइक था वो मैं वेस्टर्न रेलवे में जाता था उसके बाद मैंने पहला सेकेंड हैंड कावासाकी बजाज खरीदा फिर मैंने कहा कि इसके ऊपर ज़्यादा देर में वक्त नहीं बिताऊंगा तो मैंने राजदूत 175 टेलीस्कोपिक सस्पेंशन वाला बाइक लिया उसको मैंने थोड़े दिन चलाया मैं बोला इसको ज़्यादा दिन नहीं चलाऊंगा
सेकेंड हैंड प्रीमियर पद्मिनी का लक्ष्य रखा। जो दिन मैंने वो खरीदा वही दिन हमने लक्ष्य रखा कि हम मारुति 800 लेंगे। जो दिन हमने मारुति 800 लिया उसी दिन उसी क्षण जब उसको महालक्ष्मी टेम्पल में लेके जाके पूजा करके वापस आ रहे थे, हमने अगला गाड़ी मारुति एस्टीम 6,35,000 रुपये का टारगेट रखा। जो दिन हम सिद्धि विनायक से उसको पूजा करके ला रहे थे वही दिन 1,500,000 हुंडई सोनाटा का टारगेट रखा। जो दिन उसकी पूजा करके वापस ला रहे थे उसी दिन हमने टारगेट रखा कि मर्सिडीज एस सी क्लास मतलब ई क्लास लेंगे 54,00,000 रुपये का। जो दिन 54,00,000 का मर्सिडीज लिया उसी दिन हमने लक्ष्य रखा कि एस क्लास मर्सिडीज लेंगे। जो दिन हमने एस क्लास मर्सिडीज लिया 6 करोड़ का रोल्स रॉयस लेने का वही दिन टारगेट हमने सेट कर दिया। तो पैसा हो, घड़ी हो, गाड़ी हो, लाइफ हो, 2 बेडरूम हो, 3 बेडरूम हो, 4 बेडरूम हो, कंपनी हो, ये सब चीजें जैसा अपने को चाहिए था वैसा अपने को मिला, क्योंकि अपन ने जीत की तैयारी की। हम जीरो थे लेकिन हम हीरो बनना चाहते थे। हम रॉ डायमंड थे, हम कट करने को रेडी थे, हम औरों को कट करने को देने के लिए रेडी थे। हमने अपने बॉस के सामने अपने आप को निछावर किया और बोले, सर आप बताओ ये बदन से क्या होना चाहिए, ये मन से क्या होना चाहिए, ये बॉडी से क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये चीजें अगर आप करेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे। ऐसे अनकंडीशनली अपने आप को सरेंडर किया, ऐसे अनकंडीशनली अपने आप को सरेंडर किया अपने बॉस लोग के सामने, अपने अपलाइन के सामने, अपने कलीग्स के सामने। जो बोला गया है जैसा बोला गया है, हजारों किताबें पढ़ी, किताबों में जो लिखा है, हजारों सीढ़ियां सुनी, जो सीढ़ी में लिखा हुआ है बोला हुआ है वैसे का वैसा पॉइंट टू पॉइंट डिक्टो वो मैंने किया। अपना दिमाग कभी मैंने नहीं लगाया। तो आज अगर मैं आप लोगों को कुछ बोलता हूं कि क्या करना है, आप अपना दिमाग मत लगाओ, आप बस वो करो जो मैं आपको बोल रहा हूं। लेकिन मुद्दा ये है माई डियर फ्रेंड्स, और तब और ये इस तरह से जब आप आदमी करेगा तो ये कहा जाता है कि वो आग में आज भी तप रहा है। हर दिन मैं 1 घंटा रीडिंग करता हूँ, हर दिन मैं रोज रात को ऐसे 3 किताबें लिखता हूँ जो मेरे 1 से 1.25 घंटा ले लेता है। इस तरह से मैं जो चीजें करता हूँ 1 से 1.25 घंटा रोज मैं जीत की तैयारी करते हूँ। और जबकि मेरा कमाई दिन का 5-1 लाख रुपया है तब मैं 1.25 घंटा रोज रात को ऐसी किताबें लिखता हूँ। तो समझ लो कि तुम्हें कितना तैयारी करना पड़ेगा, कितना एफर्ट डालना पड़ेगा। आज हम ये स्टेज पे आ गए हैं फिर भी हमने पढ़ाई लिखाई को बंद करने से इनकार किया। हम कभी ये मानते ही नहीं है कि माझ्याकडे काही आहे आणि मला काही कळतं। अपने कुछ नहीं आता है, अपने एकदम सिंपल आते हैं, अपने को जमाने के बारे में कुछ नहीं मालूम। मैं रोज रात को पढ़ता हूँ, रोज रात को अपने आप को अपग्रेड करता हूँ, और इसीलिए 30 साल से रेगुलरली सक्सेस मिला। कईयों को 1 साल सक्सेस मिलता है फिर नीचे चला जाता है, फिर 6 महीना गायब रहता है, फिर थोड़ा सक्सेस मिलता है, फिर वो नीचे चला जाता है, फिर थोड़ा मिलता है, फिर वो गांव चला जाता है, फिर नीचे चला जाता है। इस तरह से लाइफ बढ़ता नहीं है, इस तरह से लाइफ बनता नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझसे लोग देयरफॉर पूछते हैं कि सर ये सभी लोग जो थे जिनके बारे में आपने कहा जो जीरो थे और हीरो बने कैसे, तो मैंने स्टडी किया उनके लाइफ को, मेरे लाइफ को, और दुनिया के बेहतरीन विश्वनाथन आनंद जो चेस प्लेयर है, दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन, दुनिया के बेहतरीन एक्टर, इनके लाइफ को, दुनिया के बेहतरीन नेटवर्कर। मैं नेटवर्किंग इंडस्ट्री में 1989 में घुसा था। आई वॉज इंडियाज फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव। 1988 में इंडिया का सबसे पहला रिप्रेजेंटेटिव था। डायरेक्ट सेल्स के लिए मेरे को भेजा गया बर्लिन में, जर्मनी में, वर्ल्ड डायरेक्ट सेल्स कांग्रेस में, जहां पर दुनिया की बेहतरीन वर्ल्ड कॉरपोरेशन का कॉन्फ्रेंस हुआ था। और आज से करीबन 30 साल पहले मैं पहली बार नेटवर्किंग से वाकिफ हुआ। तो मेरा पहचान और मेरी अंडरस्टैंडिंग और मेरी क्लैरिटी 30 साल पुरानी है। और मैंने इन 30 सालों में देखा कि लगातार कुछ लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग ऊपर नीचे, और कुछ लोग बढ़ ही नहीं रहे हैं, वो उठ ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? तो मैं एक वॉयज ऑफ डिस्कवरी में गया
मैंने कईयों की बायोग्राफी पढ़ी, ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, मैंने बहुत सारे लोगों का मीटिंग किया और मैंने बहुत सारे चीजें सोचा और दुनिया की बेहतरीन एमएलएम और नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों से वर्ल्ड वाइड मिला। एमवे का मालिक, एवरी श्लेन का मालिक, एवॉन का मालिक सब मेरे बाजू में बैठे रहते थे आज से करीबन 25-30 साल पहले, और उन सब लोगों को वर्ल्ड की सबसे बढ़िया कंपनी की, एमएलएम कंपनी की, लोगों से मेरा उठना बैठना हुआ था 30 साल पहले। उन सब से सीखा और मैंने पूछा अपने आप से, दुनिया के लिए पूछा कि सक्सेस का फॉर्मूला क्या है। तब मुझे समझ में आया सक्सेस एवरीबॉडी वांट्स इट, यस और नो। मैंने देखा कि किसी को भी पूछो सक्सेस चाहिए, तो मुझे लगा कि हार्डवर्क शायद सक्सेस का फॉर्मूला रहेगा। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हार्डवर्क का सक्सेस से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अगर हार्डवर्क ही सक्सेस का फॉर्मूला है तो मेरे बाजू में एक आदमी रिक्शा चला रहा पिछले 30 साल से, गरीब था, गरीब है, गरीब रहेगा। तो हार्डवर्क का सक्सेस से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, शायद हार्डवर्क एक चीज हो सकता है सक्सेस के लिए, एक एलिमेंट हो सकता है सक्सेस के लिए, लेकिन सिर्फ हार्डवर्क से आदमी लाइफ नहीं बना सकता। क्योंकि अगर सिर्फ हार्डवर्क करना है तो मजदूर लोग भी रोज हार्डवर्क करते हैं लेकिन उनका लाइफ सक्सेसफुल नहीं होता। देयरफॉर हार्डवर्क शायद सक्सेस का एक फॉर्मूला है, लेकिन सिर्फ हार्डवर्क से सक्सेस नहीं मिलता। फिर हमने देखा कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस अगर जानना है तो क्या देखना है हमें, क्या यह देखना है कि आदमी ने क्या किया? तो आदमी ने, सचिन तेंदुलकर ने क्या किया, क्या किया? 50 सेंचुरी मारा टेस्ट में, 50 सेंचुरी मारा वनडे में। आदमी ने क्या किया सब देख रहे। आदमी ने क्या किया? मोहम्मद माजिद साहब 40,000 करोड़ के मालिक है, आज इतना फैक्ट्री है, ये है सेमी डायरेक्ट, इतना वर्ल्ड वाइड कॉरपोरेशन है। आदमी ने क्या किया ये सब जानते, लेकिन मुद्दा ये नहीं कि आदमी ने क्या किया, आदमी को वो किसने और क्या चीज ने करवाया ये जानना जरूरी है। कौन है जो सचिन तेंदुलकर से 50 सेंचुरी करवाए? क्या है जिसकी वजह से सचिन तेंदुलकर 50 सेंचुरी वनडे में मारा, 50 सेंचुरी टेस्ट मैच में मारा? वो क्या है जो नायर साहब को 7,00,000 रुपया दिन का कमाने मजबूर करती है? कौन कर रहा है उसे, क्या किया ये सब लोग जानते हैं कि वो 7,00,000 कमा रहा है, लेकिन दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो काय केला, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। कोणी यक्षाशी एक करून घेतलं, क्या की, मतलब व्हाट मेड मेन डू इट, क्या चीज है जिन्होंने उनसे ये करवा के लिया, ये जरूरी है। क्योंकि अमिताभ बहुत बड़ा एक्टर है और करोड़ों रुपया कमाता है, व्हाट मेन डू, तो वो तो नजर आ रहा है कि वो क्या किया है, कि वो रोल्स रॉयस गाड़ी चलाता ये तो दिखता है, लेकिन व्हाट मेड मेन डू इट, क्या चीज करने के वजह से वो रोल्स रॉयस तक पहुंचा, क्या चीज करने की वजह से वो 50 सेंचुरी मार सका, क्या चीजें करने से वो 7,00,000 रुपया दिन का कमा सकता है, क्या चीज करने से। तो जब मैं इस स्टडी पे पहुंचा तो मैं समझ गया कि मैं ढूंढ रहा था द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ सक्सेस, कि वर्ल्ड में सक्सेस का कॉमन डिनोमिनेटर या कॉमन फैक्टर क्या है। मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि दुनिया में सिर्फ सक्सेस का एक फॉर्मूला है, और ये मैं 500 बार बोल चुका हूं, लेकिन फिर भी जब जब मैं बोलता हूं तो मुझे याद आती है कि मुझे ये करते रहना है, हर दिन, हर शाम, हर घंटे मुझे करते रहना है। जानना और करने में बहुत फर्क है। जानने वाले लोग इंटेलिजेंट होते हैं, करने वाले लोग वाइज होते हैं। इंटेलिजेंट आदमी को सब मालूम है क्या करने का, लेकिन जो प्रज्ञा को प्राप्त हुआ है, जो वाइस आदमी होता है, जिसको शाणा बोलते हैं, वो करता है, और इंटेलिजेंट खाली जानता है। तो जानता सब आदमी है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन करते सिर्फ वाइस आदमी लोग हैं। जानते सब आदमी है कि पढ़ना चाहिए है, लेकिन करते सिर्फ वो है जो प्रज्ञा को प्राप्त हुए, जो विजडम को प्राप्त हुए, जो जिंदगी में क्लैरिटी के साथ सोच सकते हैं। तो मैं ढूंढते ढूंढते एकमात्र फॉर्मूला पे आया कि सक्सेस का सिर्फ एक फॉर्मूला है,
जैसे थोड़े देर पहले जब इधर खड़े रह के कमांडो साहब ने कहा कि रिकॉर्डिंग नहीं करना है, फिर भी मेरी नजरें उधर जा चुकी है जहां पर तीन आदमी ये रूम में रिकॉर्डिंग कर रहा है। अब उसको जानने में प्रॉब्लम नहीं, वो जानता है लेकिन वो करता नहीं, तो इसमें फर्क है। वो सस्ते में रिकॉर्डिंग करके लेने के चक्कर में है, वो सीडी नहीं खरीदेगा 1200 रुपए में, जो रास्ता सही है उस पे वो नहीं जाएगा, बेईमानी करेगा। तो ये जो रिकॉर्डिंग चालू है जो भी कर रहा है वो बेईमान। सो क्योंकि उसको बोलने के बावजूद समझ में नहीं आता, वो अनपढ़ गवार नहीं है, वो शाना समझता अपने आप को लेकिन है वो गधा। समझने से शाना कोई नहीं होता, बनने से ही शाना होता है। तो सक्सेस का एकमात्र फॉर्मूला है और वो है ये, द सीक्रेट लाइज इन द फैक्ट दैट सक्सेसफुल पीपल फॉर्म द हैबिट ऑफ डूइंग थिंग्स दैट फेलियर्स डोंट लाइक टू डू। बड़ा सिंपल है, सक्सेस का फॉर्मूला सिर्फ एक ही है, सक्सेस का फॉर्मूला सिर्फ एक ही है और वो ये है, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सक्सेस का सीक्रेट कहां पर है? इट इज इन द फैक्ट कि सक्सेसफुल लोगों ने वो करने की आदत डाली जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। सक्सेसफुल लोगों में और अनसक्सेसफुल लोगों में फर्क सिर्फ इतना है कि सक्सेसफुल लोगों ने वो करने की आदत डाली जो अनसक्सेसफुल लोगों को करने को अच्छा नहीं लगता। सक्सेसफुल लोगों में और अनसक्सेसफुल लोगों में, कामयाब लोगों में और नाकामयाब लोगों में फर्क सिर्फ इतना है कि कामयाब आदमी ने वो करने की आदत डाली जो उसे अच्छा नहीं लगता और नाकामयाब आदमी हमेशा वो करता है जो उसे अच्छा लगता है। मुझे भी सुबह उठने को अच्छा नहीं लगता, तुम्हें भी सुबह उठने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन रोज सुबह 5:15 बजे उठ उठ के मैंने उठने की आदत डाली। मुझे भी पढ़ने को रोज 1 घंटा सुबह पढ़ने को अच्छा नहीं लगता, तुम्हें भी रोज सुबह 1 घंटा पढ़ने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन रोज सुबह मैंने 1 घंटा पढ़ पढ़ के मैंने पढ़ने की आदत डाली। मुझे रोज सुबह जू बीच में जाके 1 घंटा चलने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन रोज सुबह मैं और मेरी बीवी जू बीच में जाके चल चल के चलने की और एक्सरसाइज करने की आदत। मुझे भी रोज सुबह आधा घंटा मेडिटेशन करने को अच्छा नहीं लगता, तुम्हें भी वो चीजें करने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने रोज सुबह आधा घंटा मेडिटेशन कर करके मैंने करने की आदत डाली। मुझे भी टीवी देखने को अच्छा लगता है, तुम्हें भी टीवी देखने को अच्छा लगता है, लेकिन मैंने नहीं देख के न देखने की आदत डाली और देख के देखने की आदत डाली। तुम जो भी कुछ हो तुम्हारी आदत के वजह से हो, मैं जो भी कुछ हूं मेरी आदत के वजह से। सिंपल, मैंने वो किया जो अच्छा नहीं लगता, तुमने वो किया जो तुम्हें अच्छा लगता है। सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, और गरीब हो या अमीर हो सब पे लागू होता है एक कच फॉर्मूला, वो करो जो अच्छा नहीं लगता। मुझे भी बड़े बड़े लोगों को मिलने को अच्छा नहीं लगता, तुम्हें भी बड़े बड़े लोगों को मिलने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने बड़े बड़े लोगों को मिल मिल के अपना बड़े लोगों को मिलने का कॉन्फिडेंस बढ़ाया। हम लोग छोटे लोगों को मिल मिल के छोटे लोगों में खुश रहने की हमने आदत डाली। मुझे भी झूठ बोलने को अच्छा लगता है, तुम्हें भी झूठ बोलने को अच्छा लगता है, लेकिन मैंने नहीं बोल के न बोलने की आदत डाली। और कई डाउनलाइन ने अपने अपलाइन को टोपी लगाने की आदत डाली।
मुझे भी रोज काम करने को अच्छा नहीं लगता, तुम्हें भी रोज काम करने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने रोज काम करके रोज रेगुलरली काम करने की आदत डाली, तुमने कभी कभी काम करने की आदत डाली। तुम जो भी कुछ हो, तुम्हारी आदत की वजह से, अमिताभ जो भी कुछ है उसकी आदत की वजह से, मैं जो भी कुछ हूँ मेरी आदत की वजह से है, हम सब लोग जो भी कुछ है हमारी आदत की। और मैं ये बोलता हूँ, क्वालिफिकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, एजुकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कहाँ से आए, तुम महाराष्ट्रन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, तुम सिख हो, ईसाई हो, तुम्हारा बाप गरीब था, तुम चाल में रहते थे, तुमने पढ़ाई किया नहीं किया, तुम्हारा सपोर्ट है सपोर्ट नहीं है, तुम्हारा अच्छा कॉन्टैक्ट है नहीं है, तुम चाल में रहते थे बिल्डिंग में रहते थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें सिर्फ वो करना है जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। कई लोग इधर आके बैठ के, कई लेक्चर में आके बैठ बैठ के सो जाते हैं, क्योंकि उनको लेक्चर में आके बैठ के सोने की आदत लग गई। और कोई लोग है किताब लेके आते, बोले इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं, चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं, और कई लोग ऐसे खाली हाथ। मैं जिधर भी जाता हूँ नोट्स बनाता हूँ, तुम जिधर भी जाते हो नोट्स नहीं बनाते हो, फर्क सिर्फ इतना ही है, मैं वो बुक लेके आता हूँ और पॉइंट लिखता हूँ। मैं प्रोग्राम खत्म होने के बाद रात को घर में जाता हूँ और पूरे दिन में जो प्रोग्राम में जो ट्रेनर ने सिखाया, करीबन 1.5 से 3 घंटा बैठ के पूरा दिन में क्या सीखा, वो पूरा लिख देता हूँ। तो तुम्हारे जगह पे मैं आज अगर होगा तो रात को जो सोने के पहले 200 पेज की किताब में संतोष नायर ने आज सुबह 10 बजे से लेके 10:30 से लेके 1:30-2 बजे तक क्या बताया हो, मैं पूरा लाइन से लिखूंगा, नायर साहब ने सक्सेस का फॉर्मूला बताया, नायर साहब ने बताया, नायर साहब ने ये बताया, ऐसे लिखते लिखते मैं 3:30-3 बजा डालूंगा। और तुम में से कई ऐसे लोग हैं बराबर रात को 10 बजे राणा प्रताप देखेंगे, उसके बाद कुछ तो लोग कहेंगे देखेंगे, उसके बाद 11 बजे आहट देखेंगे, और फिर बाजू में जो आइटम है उसको पकड़ के सो जाएंगे। तब तुम सो रहे हो, मैं लिख रहा हूं। जब तुम सो रहे हो और कार्यक्रम कर रहे हो, मैं लिख रहा हूं। फर्क सिर्फ इतना है, मैं लिखने के बाद कार्यक्रम करता हूं, तुम कार्यक्रम करके सो जाते हो। तो जब तुम दूसरे दिन सुबह उठे, तुम सेम आइटम है, मैं जब उठा तो मैं बदल गया था, तो मैं कल और आज में सेम आदमी नहीं हूं, तुम कल और आज में सेम आदमी हो, ये तुम्हारी आदत है। इसके लिए जीत की तैयारी मैंने कल रात को की, तुमने कार्य दूसरा कुछ तैयारी किया। मैं जीतने की तैयारी की, तुम मजा किया, मजा करने से जीतता नहीं है, मजा भी करना चाहिए, मैं ना नहीं बोलता हूं, घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, टीवी देखना चाहिए, लेकिन अपना वो काम जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता वो करने के बाद तुम्हें वो करना है, एंड नॉट बिफोर दैट।